लीजिए दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है सभी दोस्तों का हमारी चैनल पर। और आज एक और नई जानकारी के साथ दोस्तों, आज जानकारी आपको देते हैं कॉकरोच के बारे में। अगर आपके घर में कॉकरोच, झींगुर या इस प्रकार के कीट पतंगे अगर घर में ज़्यादा हैं तो उनको आपको कैसे भगाना है, उसके बारे में दोस्तों हम आपको जानकारी देते हैं। सरल जानकारी देंगे दोस्तों, इसको आप सभी कर सकते हैं। और एक ऐसी औषधि जो आपके सभी घरों में मिलती है और उसके द्वारा आपके घर में कितने भी कॉकरोच हों और किसी किसी भी प्रकार के कीट पतंगे, जैसे झींगुर टाइप से हम बोल रहे हैं कि झींगुर भी होते हैं, और ऐसे छोटे मोटे जो को कपड़ों को भी काटते हैं, घर में नुकसान भी करते हैं, गंदगी भी फैलाते हैं। और आपने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे कॉकरोच से डरते भी हैं, और इसको घर से हमें कैसे निकालना है जो कि हमारे घर में गंदगी न फैला सकें, तो इसके लिए दोस्तों हम आपको जानकारी देंगे कि किस तरीके से आपको कॉकरोच से और होने वाले जो कीट पतंगे घर में और भी प्रकार के हैं, मच्छर तक, तो इनको आपको कैसे भगाना है। तो किसी भी प्रकार के दोस्तों अगर कीट पतंगे आपके घर में हैं, मच्छर, कॉकरोच या झींगुर टाइप के, उनको आपको घर घर से बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो उसके बारे में दोस्तों हम आपको जानकारी बताते हैं, और वो भी सरल जानकारी घरेलू उपाय के द्वारा। तो उससे पहले दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले, जिससे कि आपका चैनल हो जाए, फिर आपको नए नए वीडियो की जानकारी घर बैठे आपको मिलती रहेगी। और आप कोशिश करते रहेंगे कि घर बैठे ही हम सभी इन समस्याओं का दोस्तों समाधान आप पाते रहेंगे। हाँ, तो हमें इसी उद्देश्य से आपको नई नई जानकारियाँ बराबर अपलोड कर रहे हैं और करते रहते हैं, और आगे भी इसी प्रकार आपको नई नई जानकारियाँ देंगे। तो चलते हैं दोस्तों हम जानकारी की ओर। हाँ, तो दोस्तों आपको क्या करना है कॉकरोच कीट पतंगों को भगाने के लिए। अगर दोस्तों आपके पास सिरका है, दोस्तों जानते हैं सिरका से हम अचार भी डालते हैं, मिर्च का भी अचार डालते हैं, यहाँ तक कि गन्ने का सिरका उत्तम रहेगा। तो इस प्रकार का जो सिरका होता है, तो सिरके के द्वारा आप इन कीट पतंगों को भगा सकते हैं। पर लेकिन दोस्तों भगाना कैसे है उसको हम आपको तरीका बताते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको तवा गरम करना है। आप गैस पे तवा गरम करते हो या चूल्हे पे तवा गरम करते हो, किसी भी प्रकार से तवा ले लें या कोई ऐसा बर्तन ले लें कि उसको आप गरम कर सकें, यहाँ तक कि वो एक लाल होने वाली पोजीशन में आ जाए। फिर दोस्तों उस तवे पर आपको करीब एक ढक्कन सिरका डालना है। तो जैसे ही उस सिरका को आप गरम तवे पर डालेंगे तो दोस्तों उसमें धुआं निकलेगा, और वो धुआं का असर आपके रूम में या आपके मकान में या आपके कमरे में कहीं तक जाता है। तो जहाँ जहाँ उसका धुआं जाएगा, जहाँ जहाँ उसकी स्मेल जाएगी, तो आपके जो कीट पतंगे, कॉकरोच टाइप के जो भी कीट पतंगे, मच्छर वगैरह हैं दोस्तों, वो सभी भाग जाएंगे और आपका ये प्रदूषण से मुक्त आपका रूम हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि किस छोटे कितने छोटे तरीके से और आप इसको कीट पतंगों को दोस्तों भगा सकते हैं। सिरका हर जगह मिल जाता है और हर गृहस्थी में, हर किचन में ये चीज़ उपयोग होती है। तो तमाम उपयोग करने के लिए हम हर हर घर में सिरके को रखते हैं। तो सिरके के द्वारा दोस्तों आप इन कीट पतंगों को घर से भगा सकते हैं। कैसा भी छोटे मोटे बरसाती किट से लेकर के किसी भी प्रकार के कीट पतंगे होते हैं दोस्तों, वो भाग जाते हैं। तो इस छोटे से उपाय से दोस्तों आप इसका लाभ ले सकते हैं, और इसी प्रकार आपको किसी भी प्रकार के छोटे मोटे कीट हैं, पतंगे हैं या मच्छर हैं, वो सब नहीं रहते आपके कमरे में, आपका कमरा स्वच्छ हो जाता है। तो दोस्तों हमें आशा है आपको हमारी जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को आप लाइक करें और अपने लोगों को जो दोस्तों अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि छोटी सी जानकारी सभी को मिल सके और सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। क्योंकि ये समस्या दोस्तों मच्छर, कॉकरोच हर जगह पाई जाती है, चाहे या तो गाँव हो, देहात हो या आपका सिटी हो, कहीं पर भी हो, ये समस्या होती है। और ज़्यादातर कॉकरोच की समस्या हर जगह देखने को मिलती है। तो इस तरीके से दोस्तों आप कॉकरोच मुक्त घर बना सकते हैं। तो दोस्तों हमें आशा है कि आप हमारी जानकारियों को बराबर फ़ायदा ले रहे हैं। तो अगली जानकारी फिर कोई नहीं लाते हैं।
तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार, सभी का धन्यवाद।